बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निक अज़मी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप जो है अपने टैक्स को कॉपीराइट से बचा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या किसी और अदारे में हैं, फर्म में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और आपने असाइनमेंट जमा करवानी है या फिर कहीं ना कहीं और कोई काम आपने या कहीं ना कहीं वेबसाइट के कहीं हिस्से पर आपने कहीं ना कहीं अपना टैक्स सेट करना है, तो उस सूरत में आप कॉपीराइट से बचना चाहते हैं तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। इसमें आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने टैक्स को कॉपीराइट से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस रेड बटन पर क्लिक करके आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन होगा उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे ये होगा कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं, ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। आप किसी भी कोई भी आर्टिकल यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, एक और वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वैसे ही उठा लेते हैं, यहाँ से कोई भी अपना दिल करें यानी कि इसको कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट, यहाँ से आपको पता होगा गूगल ट्रांसलेट में आ जाए, यहाँ पर आप कॉपी करें, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, जो नीचे एरो है यहाँ पर कोई भी है। अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू सेलेक्ट, किसी भी कंट्री में हैं, अफगानिस्तान में हैं, जो भी हैं, कहीं से भी हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपनी लैंग्वेज, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर उर्दू में आ जाएगा, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी होता है, इसको कंट्रोल ए कैंसिल कीजिए, कंट्रोल वी पेस्ट कीजिए, इसको फिर इंग्लिश यहाँ पर होगा, यही अगर नहीं हो तो यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगी, इसको आप कॉपी कीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आप जो है नोट पैड ओपन कर सकते हैं, इसमें इसको क्लिक कीजिए, ठीक है जी, सारा इसमें टेक्स्ट आ जाएगा, इसको कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी कीजिए, ठीक है, इससे कॉपी हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए, वर्ड खोलिए, इसमें भी कंट्रोल वी कीजिए, सारा टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, इसको यहाँ से प्लग सेलेक्ट करके कंट्रोल इसको कॉपी दोबारा कीजिए, फिर इसको वापस कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने एक वेबसाइट है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है ये वेड स्मॉल एसईओ टूल। इसमें से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है वर्ड से जो है नोट पैड से, ये तरीका शायद किसी ने पहले ना बताया हो। यहाँ से काफ़ी हद तक आप जो है बच सकते हैं। यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर कंट्रोल वी कीजिए, यहाँ पर या राइट क्लिक करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जो है क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपने चंद सेकंड वेट करना है, और वेट करने के बाद प्रोसेस जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो व्हीकल्स बता रहा है कि किस में है, तो चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, ये है जी, उम्मीद है कि इस मरतबा ये ओपन हो जाएगी। जी है जी, बिल्कुल ये है, आप देख रहे हैं कि 83% यूनिक है। इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन जो है रिपीट हो रही है, ये देखिए ये वाली लाइन रिपीट हो रही है, आप देख सकते हैं कि इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव किस तरह करना है, तो आप जाइए यहाँ पर, ठीक है, ये जो लाइन है वो कहते हैं कि ये लाइन आपको डिस्टर्ब करती है, आप इसकी जगह कोई भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। आप इतने समझदार हैं कि इतना तो होता ही है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इसको दोबारा करने आप कोई भी लिख सकते हैं, अगर आप कोई भी लिखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ दोबारा ठीक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा ठीक हो जाएगी, वो कहते हैं कि दोबारा से करो, ठीक है,
दोबारा किए हमने कंट्रोल वी, वो लाइन जो मैंने की थी उनको मैंने कट के दिया, अब नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की मुमानियत नहीं है। फिर आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, चंद जो सेकंड आपको वेट करना होगा, और इसके बाद ये देखें कि वो चेक कर रहा है इसमें कितनी यूनिकनेस है, ये कितनी है, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया, ये 100% यूनिक है। ठीक है, आपका टेक्स्ट 100% यूनिक हो चुका है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है। इसी तरह आप अपने दूसरे भी टेक्स्ट को किसी भी जो है यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी असाइनमेंट है या फिर जो है इसके अलावा किसी फर्म में, अदारे में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं में आप किसी जो है ब्लॉग में, यूनिवर्सिटी ब्लॉग में, किसी वेबसाइट में अगर आप पेश करना चाहते हैं, किसी किस्म का यूज़ करना चाहते हैं, तो इस मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि गूगल से वेरीफाइड हो चुका है, ये जो वेबसाइट बहुत ही ऑथेंटिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है यार। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।